चुनाव के मद्देनजर आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर चित्रकूट अपहरण कांड में हुई मासूमों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद आज पहली बार विंध्य के दौरे पर रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम विंध्य में मिली प्रचंड जीत पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए विंध्य की धरती को प्रणाम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता से जाने के बाद भी वो विंध्य सहित प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका अदा करेंगे तथा वर्तमान सरकार का सहयोग करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सतना जिले के चित्रकूट में हुए अपहरण कांड का जिक्र करते हुए कहा कि बड़े दुख का विषय है कि प्रदेश सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच दो मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसका काफी दुख हुआ। वहीं उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू था, अब अपराध का गढ़ बन गया है। साथ ही आगे बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार केवल तबादले कर रही है और कोई दूसरा कार्य उसके पास नहीं बचा। साथ ही उन्होंने तबादलों को उद्योग बना लिया है, जिससे पुलिस व्यवस्था का मनोबल भी टूटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्त है बदलाव का, नारा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे डकैतों का वक्त बदल गया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने बोला कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है ये समझ नहीं आता। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जो सुपर सीएम चला रहे हैं, जो कि मिस्टर बंटाधार, जिससे कि सीएम का पद का बोध ही नहीं हो पाता। वहीं किसान कर्ज माफी पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। अब एक आध हो तो बताएं, कभी कोई अपने आप को कहता है, कभी कोई अपने आप को कहता है, कोई ग्वालियर की बैठक लेता है, कोई आपने दो दिन पहले कहा सीएम चला रहे हैं मध्य प्रदेश। हाँ, तो आप समझिए कौन कौन है ये सरकार, कब तक चलेगी? एक की पूरी चल रही है, एक सीएम है और एक की पूरी नहीं चल रही, आधी चल रही। नाम लेने में वो सब समझते हैं कौन कौन। सरकार कब तक चलेगी ये जो प्रदेश में? हमने बहुत सोच समझ के जी ये फैसला किया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुमत कांग्रेस का भी नहीं, ये सरकार भी बैसाखियों पे चल रही है। हम चाहते तो उस समय सरकार बनाने का दावा कर सकते थे, लेकिन हमने तय किया, कॉशसली तय किया कि जब नंबर उनका ज्यादा है तो सरकार उनको बनाना चाहिए। हम कुर्सी से चिपकने वाले लोग नहीं है। तो आज जब जिंदगी धरा पर मैंने कदम रखा, उस वक्त मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ था। रीवा रेलवे स्टेशन को उतर के मैंने पहले विंध्य की धरती को प्रणाम किया, क्योंकि यहाँ से बहुत स्नेह और आशीर्वाद, जन कल्याण और विकास के कामों को जनता ने दिया है, अपराध का महाद्वीप बन गया है। केवल मित्रों आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी प्रवृत्ति भी वैसी नहीं है, लेकिन इस घटना ने अंतर मन न केवल दुखी किया है बल्कि अंदर से हिला दिया है। भगवान ना करे कभी अपहरण हो, लेकिन ऐसी कोई घटना होती थी, हम दिन और रात मॉनिटरिंग करते थे और कोशिश करते थे कि कम से कम सही सलामत हम कैसे लोगों को निकाल लें। कांग्रेस ने नारा दिया था वक्त है बदलाव का, क्या बदलाव यही है? इतने दिन बच्चे अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहे, गृहमंत्री ने कभी गंभीरता से लिया? क्या मुख्यमंत्री ने कभी गंभीरता से लिया? और जिस ढंग से ब्रीफिंग कर रही थी पुलिस, वो और अजीबोगरीब था। आज यहां पकड़ लिया, आज वहां उठा लिए, हम लोग चिंतित इस बात से थे कि रोज सरकार कुछ नहीं कर रही, केवल तबादले कर रही। और पुलिस में भी जिस ढंग से ट्रांसफर्स हो रहे हैं, रोज एक लंबी सूची देखने मिलती, सरकार कर रही है मतलब केवल तबादले कर रही है।